नवगछिया में होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग के डीजी ने किया नवगछिया यूनिट का निरीक्षण। कहा, लालच रोकिए, गलत नहीं करे न करने दें, ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करें। बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन विभाग के डीजी आर के मिश्रा ने रविवार को नवगछिया गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय एवं अग्निशमन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अग्निशमन कार्यालय में पौधारोपण भी किया। मौके पर नवगछिया एसपी निधि रानी, प्रशिक्षु जिला समादेष्टा तृप्ति सिंह मौजूद थी। नवगछिया में निरीक्षण के दौरान वे सर्वप्रथम गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने कार्यालय के दस्तावेजों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में उन्होंने होमगार्ड जवानों की समस्या को सुना और समाधान के दिशा में उन्हें जानकारी दी। मौके पर डीजी ने होमगार्ड जवानों को ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करने एवं चुस्त दुरुस्त वर्दी रखने एवं फिट रहने की बात कही। के द्वारा भी बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा पीआईडी के माध्यम से, तो रहेगा अकाउंट रहेगा, पीआईडी बन जाएगा आसानी से, अकाउंट से पीआईडी बनता है। तो आपको यहाँ ड्यूटी करें या यहाँ से कहीं बाहर ड्यूटी करें, पीआईडी पर पटना में कीजिएगा, भागलपुर में कीजिएगा, मुंगेर में कीजिएगा, जहाँ भी ड्यूटी में जाइएगा वो जिला आपके पीआईडी पर वहीं से पैसा भेज देगा। अभी आप वहाँ से पैसा निकलेगा, फिर कमांडेंट को आता था, फिर कमांडेंट देते थे, अब पीआईडी से सीधे आपका उस समय का पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, जिस जिला में काम करें वहां से आ जाएगा। तीसरा चीज है, ईपीएफ का सिस्टम लगाया गया है, उसके लिए यूएन नंबर दिया गया है। यूएन नंबर कुछ भी नहीं है, यूएन नंबर केवल क्या है, आपका ईपीएफ का अकाउंट नंबर है। 1800 रुपये कटता है, 12% या 1800 मैक्सिमम वो जमा होगा, सरकार 1800 देगी, 3600 जमा होगा। जब आप रिटायर करेंगे, यदि 10 साल तक पैसा कटा, कम से कम 1000 रुपये पेंशन, यदि आपका 10 साल नहीं पूरा हुआ, आपको आपका जमा किया सरकार जो देगी दोनों पैसा, उस पर ब्याज होगा, इतना लौटेगा। एक लगाओ दो पाओ, 1800 लगाओगे 3600 पाओगे। क्या जाएगा सर? देखिए, अभी जनवरी महीने में मैंने योजना बनाया कि बिहार के 4000 जिले में जो होमगार्ड के कार्यालय हैं, वहां जाके होमगार्ड के जवानों से सीधा संवाद करें। अगस्त में योगदान के बाद 2-3 महीने हमने समस्याओं के समझने में समय दिया। जो लोग हमसे ऑफिस में मिलने आए या कुछ जिलों का भ्रमण किया, तो जितनी समस्याएं होमगार्ड से जुड़ी हुई बुनियादी तौर पे जो समस्याएं आई, उनको हमने अध्ययन किया, समीक्षा किया, उसके बाद उसके निदान के लिए कुछ निर्देश दिए, जैसे भुगतान नहीं होना समय से, ड्यूटी ठीक से नहीं मिलना, लंबित लंबा भुगतान, जिला ट्रांसफर चाहिए उनको, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, अनकंपा समय से नहीं हो रहा है, सीएफएमएस में पीआईडी नहीं खुल रहा है, यूएन नंबर नहीं बन रहा है, ड्यूटी किसको माना जाए किसको नहीं माना जाए, अनेक तरह की भ्रांतियां, अनेक तरह के विवाद, 1.5 लाख रुपया किसको देना है रिटायरमेंट के बाद, नहीं देना है, 10 साल कब का होना है, ऐसी अनेकों आदेशों में भ्रांतियां या संशय था कि सरकार के दिए हुए निर्देश और संकल्प को पूरा करने में होमगार्ड के कमांडेंट या उनके ऑफिस वाले बड़े ही अपने को विवश पा रहे थे। धीरे धीरे उस विवशता को कम करते हुए सारे आदेश स्पष्ट दिए गए हैं और उससे बहुत हद तक भुगतान 1 तारीख को हो रहा है, लंबित भुगतान सब हो जा रहा है, ड्यूटी बांटने में समस्याएं कम हो रही हैं, जिला ट्रांसफर के लिए कमांडेंट सक्षम हो गए हैं, 1.5 लाख के लिए स्पष्ट आदेश आ गया है, डेट ऑफ बर्थ पे विस्तृत आदेश निकल गया है, वो होमगार्ड को नौकरी से ड्यूटी से हटाने के बाद लंबे समय पर विमुक्त रखता था उसके लिए 90 दिन का समय सीमा तय करके आदेश निकल गया है। तो इस तरह से ये जो हम लोगों ने निदान किया, उस निदान को लेकर हम इनसे संवाद करते हैं। इसके साथ ही दूसरा उद्देश्य है, अभी हम और कमांडेंट 2 आदमी मिलकर समस्या का निदान करते थे, जो कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, सेक्शन कमांडर, पैतृक है, उनका पद रिक्त हो गया रिटायरमेंट के बाद, बहाली की प्रक्रिया चल रही है, 2 वर्ष लगेगा उसको पूरा होने में, ट्रेनिंग होने तक 2 वर्ष बाद ही हम लोग मिल पाएंगे। तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 2 वर्षों के लिए हमने होमगार्ड के सक्षम जवानों को कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर और सेक्शन कमांडर बनाकर एक प्रखंडवार 100 लोगों की कंपनी बना के उनको ये दायित्व सौंपा है कि समाधान के जो पॉइंट्स हैं, समाधान के जो हमने आधार बनाया है, उसको हर जवान तक ले जाके पहुंचाए और उनको अवगत कराए कि उनका अधिकार क्या है, उनको क्या देय है, क्या मिलना है, क्या नियम है, क्या
नए नियम आए हैं ताकि होमगार्ड कार्यालय में यदि किसी तरह की भ्रांतियां हों, यदि वहां किसी तरह से उनको सही जानकारी नहीं दी जा रही हो तो उनको जानकारी दी जाए। और ये कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर और सेक्शन कमांडर जवानों की समस्याओं का निदान दिए गए हमारे जो मार्गदर्शन है आदेश उसके तहत करेंगे। तो अब नया नारा हमने दिया है, अब समस्या मत बताइए हमें, आप समाधान ढूंढिए, समस्या नहीं समाधान। और जिम्मेवारी किसकी है? होमगार्ड के उन कंपनी कमांडरों की, उन प्लाटून कमांडरों को, उन सेक्शन कमांडरों को जिनसे अभी हम वार्ता करेंगे, उनको उनका दायित्व बताएंगे, उनको काम बताएंगे, ये सारी बातें बताएंगे और संवाद देंगे ताकि ये संवाद हमारे जवानों के घर घर तक पहुंचे और उनमें विश्वास हो कि जो इनकी समस्या है उसके निदान के लिए एक ठोस प्रयास हुआ है और यदि उसमें कहीं कमी है उसका निदान लोग हो जाएंगे। इसमें होमगार्ड ही फंसता है, इसमें कहां तक? देखिए हमारा, हमने इनको ये भी बताया है कि हमारे होमगार्ड के जवानों को चार चीजों से अवगत करेंगे। पहला चीज है इनका वर्दी चुस्त दुरुस्त हो, वर्दी देख के लगे कि ये जवान है, अनुशासन का फोर्स है, टोपी से लेके जूता तक एक ढंग का हो ताकि ड्यूटी पे खड़े हो तो लोगों को रेस्पेक्ट हो, स्वाभिमान की बात हो, रेस्पेक्ट की बात हो, पहला तो ये। दूसरा इनको कहा है कि छोटी ड्यूटी मिलना है, बड़ी ड्यूटी मिलना है, जो ड्यूटी मिले उसमें जाके तन्मयता से काम कीजिए, जान चलिए चलिए ड्यूटी से कहीं भागना नहीं, ड्यूटी पे जमे रहना है। बहुत से मामले में ड्यूटी से गायब होने का रिपोर्ट आता है, उस पर कार्रवाई होती है। तीसरा जी मैंने बताया कि जब ड्यूटी पर कहीं लगा दिया गया है तो आप ये जानिए कि आपको जो 774 रुपया मिलता है सरकार से वही आपकी कमाई है, उसके अलावा किसी तरह के गलत पैसे को हाथ लगा रहे हैं तो आप डीजी के साथ, होमगार्ड के सम्मान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो इनका काम है उनमें मोरल का, लालच नहीं करने का, ऐसे गलत काम करने का, काम नहीं करने का संदेश देना है, इसको लिए उनको तैयार करना है। अभी तो अब तक जो पहले घटना हुई है उसमें हमने थोड़ा लीनियंट व्यू इसी ले लिया है कि समान रूप से एक ही मामले में पुलिस पदाधिकारी और होमगार्ड के कार्यवाही में दो रंग की चीज होती है, एक को नौकरी ड्यूटी मिल जाती है, ये ड्यूटी से वंचित रहता है, उसको हम लोगों ने कहा कि 90 दिन तक यदि कार्रवाई हो गई, यदि वाकई में दोषी है, वीडियो वायरल हो गया, जांच हो गया, डिसमिस कर दीजिए, सजा के लिए निकाल दीजिए। लेकिन कुछ जांच में अटका के साल डेढ़ साल तक उसको जांच ही में रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि होमगार्ड की ड्यूटी करना एक मजदूरी की तरह है, लाइवलीहुड अर्न करने का है, तो किसी कारण से किसी व्यक्ति को लाइवलीहुड से अलग नहीं कर सकते, लाइवलीहुड से अलग नहीं कर सकते। कल को मान लीजिए 3 साल आपने उसको ड्यूटी से बाहर रखा और निर्दोष साबित हो गया, ये 3 साल के लाइवलीहुड का अधिकार जो हमने छीन लिया उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो 90 दिन तक निर्णय कीजिए, यदि वाकई दोषी है फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन दोषी नहीं होता है, साबित नहीं हुआ है, जेल भी भेज दिया आपने, जमानत पे आ गया, सिद्ध दोष नहीं हुआ है, तो उसको ड्यूटी से वंचित मत कीजिए। ड्यूटी से वंचित करना उसके परिवार को भुखमरी के घर पहुंचाने के समान है और लाइवलीहुड, राइट ऑफ लाइवलीहुड के तहत इसको हमने रिस्टोर करने का कहा है कि 90 दिन में रिस्टोर करेंगे। जवान को बनाएंगे कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर और सेक्शन कमांडर के लिए हमारे पास 2000 का स्ट्रेंथ है, उसमें लगभग 1700 से 1800 स्ट्रेंथ खाली है। ये पद धीरे धीरे समय के साथ लोग रिटायर होते गए, भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। अब हमने सारे जो पद खाली थे उन सब के भर्ती के लिए बोर्ड को दे दिया है, बोर्ड ने विज्ञापन निकाल दिया है, सारा कुछ हो गया है और मुझे उम्मीद है कि दिसंबर होते होते सारी भर्तियां पूरी हो जाएगी और दिसंबर के बाद इनकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी तो 21 के अंत तक हमारे पास सक्षम कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर आ जाएंगे, कंपनी कमांडर आ जाएंगे, तब इनकी उपयोगिता नहीं रहेगी, तब भी इनकी उपयोगिता रहेगी क्योंकि ये फील्ड में अफसर है, लेकिन अभी चूंकि वो नहीं है उनके लिए इनको संभालने का काम दे रहे हैं और ये बेहतर काम करेंगे ऐसा मेरा सूचना है। होमगार्ड कार्यालय ऑफिस हेडक्वार्टर बनने का है तो इसके लिए क्या? तो यहाँ पर देखिए होमगार्ड के बहुत जगह कार्यालय नहीं है, नहीं बन रहा है सर। तो हम लोगों ने पूरे 40 जिले में जहाँ जहाँ कार्यालय नहीं है जिला पदाधिकारी से अनुरोध करके बन रहा है। जमीन लिया, यहाँ जमीन मिल गया, यहाँ बनना भी शुरू हो गया है, काम भी शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे फायर ऑफिस, होमगार्ड ऑफिस, सरकार के मेगा प्लान में होमगार्ड इन फायर के आमूल परिवर्तन के लिए प्रयास है। अब हम लोग डीजी के रूप में या होमगार्ड के बाकी पदाधिकारी का कर्तव्य बनता है
सरकार के इस प्रयास को धरातल पर उतारने में पूर्ण सहयोग करें और डीएम और एसपी से संपर्क कर समाधान करें। समाधान होते ही हमें लगता है कि दोनों ऑफिस होमगार्ड एंड फायर ऑफिस का एक अलग धमक हो जाएगी, चमक हो जाएगी और कार्यशैली बदलेगी। भागलपुर नवगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोना मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 9992499821। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा विद्यालय जहां शुरुआत से ही होती है आईएएस आईपीएस की तैयारी। नवगछिया का सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कक्षा नर्सरी से दसवीं तक प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 8803-0437-33। सर्वोत्तम शिक्षा ही है हमारी पहचान। आइए, नवगछिया पकड़ा मोड़ के पास है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नवगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नवगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आइडियल विद्या मंदिर हरना चक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437, 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर।